सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, अहमदाबाद आने के बाद एक दिन आराम किया था मैंने, बहुत थक गया था आपको पता ही है। कंटिन्यू इतना दूर से ड्राइव करके आना, सिंगल ड्राइवर वो भी, तो हो जाती है थोड़ी थकान। खैर, एक दिन आराम किया, फिर आज दोबारा गाड़ी लेकर निकला हूँ। मैं ऑन द वे ही हूँ, सीटीएम ब्रिज के ऊपर था मैं जा रहा हूँ अभी। नडियाद यहाँ से 50-55 किलोमीटर दूर है। एक अंकल है, उनके सेटअप पे जा रहा हूँ, उनका पूरा सेटअप खाली करना है, तो वीडियो बनाने में जा रहा हूँ। उनको कहीं बाहर शिफ्ट होना है, फॉरेन कंट्री में उनका वीज़ा वगैरह आने वाला है। तो चलिए एक्सप्रेस हाईवे पे आ गए। देखिए, यहाँ से एक्सप्रेस हाईवे स्टार्ट हो रहा है, अब निकलते हैं सीधा जाके नडियाद, आपसे मुलाकात करते हैं। फटाफट पहुँच जाऊँगा मैं, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। तो मैक्स आधा घंटा लगा, आधे घंटे के अंदर मैं नडियाद के अंदर एंटर हो गया। अब पीछे के साइड से घूम के रिंग रोड की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ उन्होंने मुझे बुलाया है। देख सकते हो काफ़ी जंगल भरा रास्ता है, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पर। चलिए जाके मिलते थे, वीडियो बनाएंगे उनके। दोस्तों, फिर वहाँ पे एक जगह मेरी गाड़ी लगा दी हमें पार्किंग में। मैं इनके साथ बैठ के जा रहा हूँ एक्टिवा पे। हमको सिटी के अंदर जाना है, वहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा मिलेगा, इसके लिए एक्टिवा पे जाना सही है। जाके दिखाता हूँ बर्ड्स कैसे। दोस्तों, उनकी एक्टिवा पे बैठ के लगभग 5-7 किलोमीटर हम लोग आ गए। गली खुचों में से एकदम खतरनाक रास्ते थे, छोटे छोटे, अच्छा लगा यहाँ पे। यहाँ पर एक मस्जिद भी है, लाखी मस्जिद, जो जहाँ पर हम लोग कभी कभी आया करते थे। आके बैठा हूँ उनके घर पे, और देख सकते हो एंटीक आइटम्स काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब जूनी चीज़ों के काफ़ी शौकीन लग रहे हैं मुझे निमेश जी। एंटीक आइटम्स वगैरह है शो के लिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। दोस्तों, ऊपर उनका एक रूम है, वहाँ पे आके मैं बैठ गया। और यहाँ पर देखिए, ये बैठने की कुर्सी, सामने बैठने के लिए झूला वगैरह कुछ मस्त है। और बर्ड्स वहाँ पर है, ऊपर लव बर्ड्स की 2-3 पैर है, नीचे कुछ बजीज की पैर है, काफ़ी अच्छी बजीज है देखा मैंने। और यहाँ पर एक पैर लव बर्ड की, यहाँ एक पैर, वहाँ एक पैर, और वहाँ 2 पैर, कुल मिला के 5 पैर यहाँ पर भी है, और 2-3 पैर अंदर भी है, और कुछ बजीज भी है। सबका डिटेल में वीडियो बनाऊँगा अहमदाबाद बजीज के लिए, क्योंकि इनको जो है पूरे बर्ड्स निकाल के लंदन शिफ्ट होना है। अभी मेरी काफ़ी सारी बातें हुई इनके साथ में, दोनों ने सब मेरे को बताया, एक्सप्लेन किया क्या है क्या नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने डिटेल में वीडियो बना लेंगे। रेट भी ज़्यादा रखा नहीं इन्होंने, चीज़ें भी अच्छी है इनके पास में। और बालकनी वगैरह देखिए, अच्छा माहौल है यहाँ पर, बड़ा अच्छा लग रहा है। बर्ड्स से तो माहौल और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और देखिए, मेहमान नवाजी के लिए कुछ स्पेशल आइटम आ गई, बोले ये खा के जाना, नडियाद की स्पेशल आइटम है। देख लेते हैं क्या है, कॉफ़ी आई है साथ से, बहुत मस्त है यार, सही में बहुत मस्त है। अंदर आलू है, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनके बर्ड्स का डिटेल में मैंने वीडियो बना लिया, और जाते जाते सर ने मुझे जो है गिफ्ट दिया हुआ है, ये गिफ्ट है, ये इन्होंने मुझे दिया है, और ये वाला अज्जू भाई के लिए दिया है उन्होंने, अज्जू भाई का हाँ बर्थडे था अभी रिसेंटली, तो ये उन्होंने उनको दिया हुआ है। बर्ड्स इनके काफ़ी अच्छे अच्छे डिटेल में वीडियो मैंने बना लिया है वैसे। यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ बर्ड्स है, देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ बर्ड्स है, लव बर्ड्स, और नीचे कुछ बजीज़ है, प्यारे प्यारे, माशाल्लाह खूबसूरत बजीज़ है, काफ़ी अच्छे बर्ड्स हैं। और वहाँ पर कुछ पैर है, सब डिटेल में वीडियो बना ली अहमदाबाद बजीज़ के लिए, आ चुका होगा ऑलरेडी, देख लीजिए। और सर पतंग के बहुत शौकीन है, देखिए पतंग कितनी सारी है यहाँ पर, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। और मेडिसिन वगैरह स्टार फार्म की अपनी मेडिसिन यूज़ करते हैं, उससे बर्ड्स को इन्होंने मजबूत किया हुआ है, ब्रीडिंग अच्छी ली हुई है, सब के सब पैर अच्छे हैं, तो बढ़िया बर्ड्स है यहाँ पर, मज़ा आया वीडियो बनाने का। चलिए अब निकलने का टाइम हो गया है, वहाँ से हम लोग निकल गए और जा रहे हैं वापस मेरी कार के पास में, और नडियाद की गलियों में से होते हुए जा रहे हैं। देख सकते हो डुंगराल बाज़ार बोलते हैं इसको, काफ़ी ओल्ड बाज़ार है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर। और आगे एक टावर है, शायद बड़ा ही बेहतरीन टावर है, देखिए ये रहा, ये कौन सा टावर है, संतराम टावर, कंटम टावर है दोस्तों, संतराम टावर है, संतराम टावर, सामने संतराम मंदिर, संतराम मंदिर वहाँ पर एग्जैक्टली सामने है, सामने वाला संतराम मंदिर, जो डेमो रखा है ना। निकलने का टाइम हो गया फाइनली, निमेश जी को अलविदा कह देते हैं, मिलेंगे। और आगे का इनका जो सफ़र है, जो लंदन फिर वहाँ से अमेरिका, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आ गया सब कुछ होने के बाद शॉप पे, फटाफट पहुँच गया था मैं आधे पौने घंटे के अंदर। और सामने वो शाहिद खड़ा है, पता नहीं रिक्शा में कुछ भर रहा है सामान, बड़े दिनों के बाद दिखा, 2 महीने के बाद मेरे को बोलता है 40 दिन की जमात में जाके आ गया, इतना लेट हो गया मेरे को, मतलब वहाँ से आने में। शॉप पर है फटाफट, अब यहाँ पे गिफ्ट रख देता हूँ, बाद में खोल के देखेंगे क्या है। चलिए खोल लेता हूँ, हटाओ फटाफट, खोल के दिखा देता हूँ आपको क्या है।
बहुत बढ़िया चीज है यार, बहुत बढ़िया चीज है। जबरदस्त है, देख सकते हो इसको, शायद यहाँ पे नीचे लगाना होता है इस तरह से। जबरदस्त लग रहा है यार, देख सकते हो, दुकान में ही रख देता हूँ इसको मैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, और को पीछे रख देते, किस तरह सेट होगा, फोन थोड़ा सा दबा के मैं बिठा देता हूँ। बैठ गया, इसको यहीं पर रख देता हूँ। खूबसूरत लग रहा है, पे जाके थोड़ा सा आराम वगैरह किया, खाना वाना खा के फिर भी आए सुल्तान को लेके, मेरे पापा के साथ में अभी जा रहा हूँ मैं। सुल्तान जाओ अंदर बैठ जाओ, थोड़ा काम से जा रहे हैं, बॉक्सेस वगैरह लाने हैं, जाओ बैठ जाओ अंदर जल्दी। दोस्तों आ गया हूँ मैं पुट्ठे लेने के लिए। हालांकि जो छोटे वाले बॉक्सेस थे वो तो मैंने काफ़ी सारे बनवा के लिए थे, लेकिन ये थोड़ा साइज़ बड़ी है क्योंकि प्लास्टिक के आइटम्स भी मैं पार्सल कर रहा हूँ तो वो बॉक्स में नहीं आते छोटे वाले, तो बड़े वाले मुझे रिक्वायरमेंट होते हैं, तो ये बड़े वाले भी लेने आए हो यहाँ पर, ये थोड़े ले जाऊँगा। काफ़ी बड़ा गोडाउन इनका, देख सकते हो पुट्ठे ही पुट्ठे, और ऊपर भी है भाई, ऊपर से लेके आने वाले, अलग अलग साइज़ के मिल जाते हैं यहाँ पे, देख सकते हो। ले लिए थोड़े से बड़े साइज़ में क्योंकि प्लास्टिक के आइटम सब उसमें नहीं आ रही थी इसके लिए। फाइनल दोस्तों सामान वामान लेके शॉप पे रख दिया, और बड़ा थक गया हूँ, ऊपर आ गया हूँ, खाना वाना खा के आराम करूँगा, बहुत थक गया, आपको पता कितनी दूर दूर जाके आया था। चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं हम नए वीडियो में। सुल्तान का डीमार्ट जाएंगे, ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।